दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम, उत्तराखंड में चार जगह फटे बादल। शुक्रवार को उत्तराखंड में मौसम खराब होने के बाद दिल्ली में भी तेज आंधी आई। दिल्ली में शुक्रवार शाम को धूल भरी आंधी चलने से कई इलाकों में पेड़ टूट गए। वहीं दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक बिजली का खंभा गिर गया, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में आई आंधी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिगाड़ रहा मौसम, लोकल क्लाउड सेल से आ रही भीषण आंधी। पिछले महीने उत्तर भारत में आंधी तूफान ने काफी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी के मौसम में ये बदलाव होते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती हालात बनने से मौसम लगातार खराब हो रहा है। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे लोकल क्लाउड सेल कहते हैं। उत्तराखंड में भी बिगड़े हालात, चार जगह बादल फटने की खबर। उत्तराखंड में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार शाम उत्तराखंड में उत्तरकाशी टिहरी समेत चार जगह बादल फटने की खबर आई, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हालात को देखते हुए उत्तराखंड में आईटीबीपी को अलर्ट पर रखा गया है। बादल फटने की घटना के बाद बचाव दल की 5 टीमों को उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया। आंधी तूफान से यमुना घाटी में बिजली गुल हो गई। इससे पहले साल 2013 में उत्तराखंड में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी। वीडियो डेस्क, नई दिल्ली।